मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं एक टॉपिक शेयर कर रहा हूँ जो केमिस्ट्री से रिलेटेड से। आप लोग नाम सुने होंगे लाइम, LIME, लाइम। लाइम का अर्थ होता है चूना। लाइम का अर्थ होता है चूना। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और कली चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और कली चूना कहते हैं। और इसे भुजी, इसे कली चूना या कास्टिक चूना भी कहते हैं। कास्टिक चूना भी कहते हैं और कली चूना भी कहते हैं। तो पहला बताए लाइम, दूसरा बताए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा बताए हम कली चूना, चौथा बताए कास्टिक चूना। यह कैसे हम प्राप्त करते हैं? जब कैल्शियम कार्बोनेट जो मिनरल्स है, जब इसको हम हीट करते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज द हीटेड वी ऑब्टेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, हीट डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डाल देते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। और जब यह ठंडा हो जाता है तो जो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है उसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। और उसके जिसमें वह डिजॉल्व है उसको कहते हैं चूने का पानी। तो कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम पानी से कराते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का प्रेसिपिटेट है। और इसका उपयोग व्यापक पैमाने पर बहुत क्षेत्रों में होता है, सीमेंट और ग्लास उद्योग में शुष्क कारक के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम बाइसल्फेट के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट नंबर, भर की चूना बनाने में भट्टियों में अंतर अस्तर चढ़ाने में। तो सबसे बड़ी बेनिफिशियल यह है कि जब बुझा हुआ चूना का उपयोग हम व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, दीवार की पुताई में करते हैं, तो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से संजो करके पुनः कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक मार्बल का फॉर्म होता है, पुनः बना लेता है, जिसके कारण व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन के बाद ही दीवार में चमक आती है। व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन के बाद ही दीवार में चमक आती है। अब रही बात कि इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में भाई कैसे होता है, तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उस पर जब हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कपड़ा फैक्ट्री में रंग को विरंजक के रूप में करने में, उसके बाद जल को संक्रमण रहित करने में, कुएं के जल को साफ करने में और कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड जो प्राप्त करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके प्राप्त करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो दो कंपाउंड प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना भी कहते हैं, कास्टिक चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, लाइम भी कहते हैं। जब उसे पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब मतलब स्टेबल में आ जाता है तो जो वाष्ट बचता है उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। और उसके लिक्विड को, चूँकि वह एक्वा सोल्यूशन होता है, उसको कहते हैं चूने का पानी। जब दीवार पर इसकी पुताई करते हैं तो 2-4 दिन के बाद दीवार में चमक आती है, क्योंकि वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लाइमेट के कार्बन डाइऑक्साइड से संजो करके
कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो एक ही मार्बल का फॉर्म है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनता है। अब रही बात की ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस को जब हम प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। इसके अब व्यापक उपयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, यह 10th क्लास के लिए ICB जानकारी के ख्याल से सभी वर्गों के लिए अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।